हेलो फ्रेंड, मेरा नाम देवाशीष चौधरी है। मेरी यूट्यूब चैनल यूट्यूब देवाशीष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव या एसडी कार्ड से किसी फाइल को डिलीट कर दिया है और आप उस फाइल को रिकवर करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड, वो दिखाने से पहले हम और एक बात बताने वाले हैं आप लोगों को। आप अगर हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम मोबाइल, कंप्यूटर, अपना सीसी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में नए नए वीडियो बनाते रहते हैं और यूट्यूब में देते रहते हैं। तो फ्रेंड, ये सब्सक्राइब आप कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड, आप जो वीडियो हमारी देख रहे हैं उसके नीचे देखिए रेड कलर की सब्सक्राइब लिखा है, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जैसे ही रेड कलर बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके सामने एक एलाम आइकन दिखेगा। उस एलाम आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि हम जो नए वीडियो यूट्यूब में देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, विंडोज शेयर डेटा रिकवर। इसका जो डाउनलोड का जो लिंक है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखेंगे, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स एंड आदर्स। अगर आप सब कुछ अपने रिकवर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल फाइल टिप्स पे क्लिक करना है। और अगर आप किसी फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दे रखे है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ऑडियो पे क्लिक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड, हम एक फ़ोटो रिकवर करके आप लोगों को दिखा देते हैं वो तो कैसे रिकवर होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे देखिए नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया है, क्लिक करने पर हमारे सामने ऐसा एक ऑप्शन चले आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला लिखा है डेस्कटॉप, उसके बाद रिसाइकल बिन, डे माई डॉक्यूमेंट्स, यानी ये सारे जो ऑप्शन है, ये आपका जो फ़ोटो था वो फ़ोटो डेस्कटॉप में था या रिसाइकल बिन में या माई डॉक्यूमेंट्स में, वो कौन से फाइल में डिलीट कर दिया है आपने, या फिर आप कौन से फाइल से ये रिकवर करना चाहते हैं वो यहाँ पे से क्लिक करना है। तो फ्रेंड, हम एक डेस्कटॉप में क्लिक कर लेते हैं। डेस्कटॉप से अभी अभी एक डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो एक डिलीट किया है तो हम इसको रिकवर करना चाहते हैं, तो इसमें क्लिक करते हैं और नीचे देखिए स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पे क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पे स्कैन होना शुरू हो गया है। तो ये स्कैन होने में बहुत टाइम लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, जो स्कैन हुआ है स्कैन में कुछ भी नहीं मिला है, इसीलिए इसका देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है डीप स्कैन करने के लिए, तो यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करके इसको डीप स्कैन करना पड़ेगा। चलिए हम डीप स्कैन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये डीप स्कैन करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो हम ये डीप स्कैन होने दें, उसके बाद आप लोगों को दिखा देते हैं। वो स्कैन होने के बाद आपको यहाँ पे डीप स्कैन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डीप स्कैन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन चले आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है BPM, EMF, यानी, और उसके बाद देखिए गिफ्ट लिखा है, हार्ड डिस्क लिखा है, ICO लिखा है, यानी आपके जो इमेज थी वो इमेज कौन से साइज में थी और कहाँ पे थी। तो फ्रेंड, हमारी एक इमेज थी JPG जिसमें एक पिक्चर थी, तो हम इस JPG में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए पहले ऑप्शन में ऐसा फ़ोटो थी और दूसरे ऑप्शन में देखिए ऐसा थी। ये सारे के सारे फ़ोटो हम पहले ही डिलीट करके रखे हैं। तो फ्रेंड, आप सिंपली इस फ़ोटो को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए रिकवर लिखा है, उस रिकवर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके सामने
आपका जो फ़ोटो थी वो फ़ोटो ऑटोमेटिक चला आएगा। और फ्रेंड आप चाहे तो इसको रजिस्टर की भी कर सकते हैं। तो इसको रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी ये विंडोज डेटा रिकवर की जो लाइसेंस है नंबर, वो नंबर ख़रीदना पड़ेगा। तो पहले फ्रेंड आप चाहे तो इसको ख़रीद सकते हैं, अगर नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिंपली ये 7 डेट की ट्रायल में रहेगा। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।